मूलखेड़ तालुका शेगांव के एक 8 वर्षीय स्वराज प्रमोद शेजोल नामक बालक के पेट में तेज दर्द और 10-12 घंटों तक पेशाब करने में तकलीफ होने लगी। मरीज बालक को तुरंत ही शेगांव के प्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सचिन सांगले के प्रकाश चिल्ड्रन अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि पेशाब रुकने से बालक मरीज असहनीय दर्द में था, जिससे डॉक्टर ने तुरंत ही सोनोग्राफी निकालकर रिपोर्ट द्वारा पता चला कि उसके लिंग में 9 मिलीमीटर बाय 6 मिलीमीटर किडनी में स्टोन दर्ज है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही सर्जन के पास जाना जरूरी रहते हुए और किडनी स्टोन निकालने और यूरिन रिलीज करने के लिए ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। बच्चे का कोला में इलाज किया गया था, लेकिन बच्चे का अत्यधिक दर्द असहनीय था, जिसमें मरीज के परिजनों ने यहां पर ही उसका इलाज करने और उसके दर्द को कम करने का निर्णय लिया। माता पिता द्वारा डॉक्टर से विनती करते हुए अनुरोध किया गया था। डॉक्टर सांगले ने कोरोना काल में ऐसे ही एक मरीज की किडनी डिस्ट्रक्शन सर्जरी की थी। उस समय के अनुभव को पीछे रखते हुए डॉक्टर सांगले ने जेली की मदद से मरीज के लिंग में फंसे पत्थर को निकालने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। गुर्दे की पथरी का आकार पहले की तुलना में बहुत बड़ा होने के कारण लगातार 3-4 बार कोशिशों के बावजूद डॉक्टर पथरी को हटाने में असफल रहे, लेकिन डॉक्टर निराश ना होते हुए इस बार डॉक्टर सांगले ने अलग तरीके से निकालने का फैसला किया और इस्तेमाल किया नॉइस हार्टमैन एयर फोर्सेप्स से, जिसका उपयोग कान में फंसी वस्तुओं को निकालने के लिए किया जाता है। पहले ही लिंग में गुर्दे की पथरी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिया और फिर आसानी से सभी टुकड़ों को सफलतापूर्वक बिना ऑपरेशन से हटा दिया। जैसे ही गुर्दे की पथरी के टुकड़े निकले, बच्चे को लगभग 1.5 लीटर फंसा हुआ पेशाब बाहर निकलने के तेज दर्द से तुरंत मुक्त कर दिया गया। इस प्रक्रिया में बच्चे को किसी एनेस्थीसिया या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपने बच्चे को दर्द से मुक्त देखकर मरीज के माता पिता बहुत खुश हुए। माता पिता ने अकोला रेफर किए बिना तत्काल उपचार प्रदान करके समय और पैसों की बचत करने के लिए शेगांव के डॉक्टर सचिन सांगले और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, याला 12 ऑगस्ट रोजी लघवीला खूप त्रास व्हायचा। तर डॉक्टर साहेबांकडे आणलं रात्री 9 वाजता, त्यांनी सोनोग्राफी केली, त्याच्यामध्ये मूतखडा निघाला। सरांनी लगेच आपला रेफर करायला सांगितलं, पण मी विनंती केली सरांना की इथंच याचा त्रास दूर करा, कारण त्रास एवढा होता की 2 मिनिट उभा राहू शकत नव्हता। गौलखेड येथील एका 8 वर्षाच्या मुलाला 10 ते 12 तासापासून लघवी होत नसल्यामुळे तसेच पोटात अत्यंत वेदना असल्यामुळे त्याला प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेगाव येथे आणण्यात आलं। त्याची प्रथमदर्शी तपासणी केली असता त्याच्या लघवी मार्गामध्ये कुठेतरी मुतखडा अडकण्याची शंका आम्हाला आली। ते नक्की करण्याकरता त्याची सोनोग्राफी करण्यात आली, ज्यामध्ये हे नक्की झालं की त्याच्या लघवी मार्गामध्ये शिश्नामध्ये त्याला 9 mm by 6 mm मुतखडा अडकलेला होता। अशा परिस्थितीमध्ये सर्जनकडे हलवून तो मुतखडा काढणे आवश्यक असते, जेणेकरून बाळाची लघवी मोकळी होऊन त्याचा त्रास कमी होतो। परंतु बाळाच्या नातेवाईकांची आर्थिक परिस्थिती हलाकीची असल्यामुळे तसेच बाळाच्या होणाऱ्या वेदना त्यांना पाहण्या शक्य नसल्यामुळे त्यांनी इथेच काहीतरी करण्याची विनंती आम्हाला केली। NBCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।